हेलो दोस्तों, आज मैं जीरो 35G की अनबॉक्सिंग करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करें हम नीचे की तरफ की तो 50 मेगापिक्सल हमारा फ्रंट कैमरा आता है, जिसमें 4K 60 FPS के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्मार्टफोन चेक कर लेते हैं। ये हमारा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है स्मार्टफोन का, आप देख सकते हैं। तो चलिए हम बाकी की एसेसरी चेक कर लेते हैं, इस बॉक्स में हमें क्या क्या मिले। और यह है हमारी डाटा केबल, जो कि USB टाइप सी केबल है, और साथ ही हमें 68 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिल जाता है, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और साथ ही हमें TPU केस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, आप देख सकते हैं। और जल्दी से हम अपना स्मार्टफोन ऑन कर लेते हैं। तो बात करें हम इसके ट्रिपल कैमरा सेटअप की, तो 108 मेगापिक्सल हमें मेन कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल हमें सेकंड कैमरा मिलता है और 2 मेगापिक्सल डेप्थ लेंस। नीचे की तरफ हमें सिम स्लॉट मिलता है और USB टाइप सी पोर्ट और स्पीकर ग्रिल। और बात करें हम इसके साइड की, तो साइड में हमें वॉल्यूम अप डाउन बटन मिलता है और साथ ही पावर बटन। और ऊपर की तरफ भी स्पीकर हैं, यानी कि हमारे पास डुअल स्पीकर है स्मार्टफोन में, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। 6.78 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है, जो कि 60 डिग्री कर्व एमोलेड डिस्प्ले है। और साथ ही हमें 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। और इसमें कोई भी कंटेंट देख सकते हैं, जो भी काफ़ी स्मूथली देख सकते हैं। और बात करें हम स्क्रीन प्रोटेक्शन की, तो गोरिल्ला 5 का हमें स्क्रीन प्रोटेक्शन मिलता है। और बात करें हम इसके प्रोसेसर की, तो MediaTek Dimensity का 8020 का प्रोसेसर मिलता है, जो 5G प्रोसेसर है। Android 13 पे बेस्ड है स्मार्टफोन, और 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो कि 30 मिनट चार्ज करने पर 80% चार्ज हो जाता है। और इस स्मार्टफोन में दो वेरिएंट आते हैं, 8GB रैम, 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 22,000 रुपये, और दूसरा वेरिएंट है 12GB रैम, 256GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है 23,000 रुपये। अब बात करें डिस्प्ले सेटिंग की, तो डिस्प्ले सेटिंग में हमें दो थीम मिलती है, लाइट थीम एंड डार्क थीम, और काफ़ी इसमें फीचर हैं आप देख सकते हैं। और डिस्प्ले ब्राइट भी आप देख सकते हैं, कितनी हाई और लो देख सकते हैं। और नीचे की तरफ हमें स्क्रीन टाइम आउट मिलता है और स्क्रीन रेफ्रेश रेट मिलता है। और आप देख सकते हैं डिस्प्ले कलर बदल सकते हैं हम, डिफ़ॉल्ट कूल कलर और वार्म कलर। और भी ज़्यादा फीचर हैं इसके, आप देख सकते हैं, आई केयर है, कलर स्टाइल है, अल्ट्रा टच है। और बात करें हम इसकी पर्सनलाइजेशन की, तो इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हैं, काफ़ी मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम हम एडजस्ट कर सकते हैं, स्टाइल अलग अलग तरह के। और डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, आप देख सकते हैं कर्व स्क्रीन इसकी, आप देख सकते हैं ये देखिए। और इस स्मार्टफोन में हमें तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, ये हमारे पास रॉम ग्रीन कलर है, और इसमें गोल्ड कलर आता है और ब्लैक कलर आता है। तो बात करें हम इसके कैमरा क्वालिटी की, तो कैमरा टेस्ट कर लेते हैं हम। तो ये हमारा मेन कैमरा है, मेन कैमरा हमारा 108 मेगापिक्सल का है, और सेकेंडरी कैमरा हमारा 50 मेगापिक्सल का है, और 2 मेगापिक्सल का हमारा डेप्थ लेंस, आप देख सकते हैं। पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है, और भी बहुत सारे मोड है इसमें। और बात करें हम वीडियो कैमरे की, तो वीडियो कैमरा शूट हम कर सकते हैं 720p पे, 1080p पे और 4K 60 FPS पे। और कैमरा काफ़ी स्टेबल है इसका, आप देख सकते हैं। और इस स्मार्टफोन का मैं कैमरा सैंपल दिखा दूंगा, फोटो और वीडियो।
तो बात करें हम इसकी पिक्चर क्वालिटी और स्पीकर क्वालिटी की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियर साउंड है और डिस्प्ले के कलर भी काफ़ी अच्छे हैं। और इसमें कोई भी कंटेंट देख सकते हैं जो भी काफ़ी स्मूथली चलता है।